नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटिक यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों, एमपी 10वीं 12वीं बोर्ड पूरक परीक्षा रिजल्ट 2023 यानी कि रुक जाना योजना का रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होने वाला है, और साथ साथ सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है उसकी तारीखें आ चुकी है, यानी कि जो आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है लगभग दोस्तों कंप्लीट होने वाला है। और इस बार दोस्तों डिजिटल चेकिंग की जाएंगी, आपकी क्यूआर कॉपी और डिजिटल चेकिंग कैसे होंगी आपको बताया जाएगा, और 10वीं 12वीं का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है कब तक आने वाला है। आइए बात करते हैं जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है सबसे बड़ी अपडेट, रुक जाना नहीं योजना है। 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट के करीब 67,000 कॉपियाँ हो चुकी है मूल्यांकन की, 67,000 कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है, और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे लगभग 80% मूल्यांकन कार्य कंप्लीट हो चुका है। पहली बार स्कूल के उत्तर पुस्तिकाओं का हो रहा है डिजिटल चेकिंग, हो रहा है यानी कि डिजिटल के माध्यम से ये चेकिंग की जा रही है। डिजिटल का मतलब होगा कि सिस्टम के अंदर आपकी जो कॉपियाँ है वहाँ पे डाउनलोड करी जाएंगी, वहाँ पे प्रिंट की जाएंगी, और उसके बाद में वहाँ पे डिजिटल तरीके से चेक होने वाले, यानी कि कोई भी पेज उसमें छूटेगा नहीं, आसानी से कॉपियाँ चेक होने वाले। 10वीं 12वीं की परीक्षा में फेल होने वाले जो भी विद्यार्थी के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है, रुक जाना नहीं योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो विद्यार्थी हैं वो अपनी परीक्षा देने के लिए एक और मौका यहाँ पे मिलता है, जो पहले प्रयास में असफल है उन्हें एक और मौका दिया जाता है। कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है, इस बार कॉपियों की जांच शिक्षक मैन्युअली करते थे लेकिन अब यह काम डिजिटल किया जा रहा है। यह पहला मौका है कि जब कॉपियाँ जाँच सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रही है। राज्य शिक्षा केंद्र ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसे रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की जांच ऑनलाइन की जा रही है। 67,000 कॉपियां जा चुकी है, इंदौर के 12वीं कक्षा की 46,000 कॉपियां मूल्यांकन के लिए मिली थी जिनमें से 28,000 कॉपियां पूरी हो चुकी है, जाँच हो चुकी है। 10वीं की सभी कॉपियां यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए जा चुकी है, यानी कि इस दौरान 70% मूल्यांकन कार्य कॉपियों का मूल्यांकन कार्य यहाँ पे जांच हो चुके, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती है। मूल्यांकनकर्ता दिनेश परमार ने बताया कि पिछले साल कई कॉपी में जांच कर रहा था, डिजिटल चेकिंग की गलती की कई गुंजाइश नहीं रहती, यानी कि कोई भी पेज यहाँ पे नहीं छोड़ता है और कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे नहीं होगी और ना ही यहाँ पे टोटलिंग में गड़बड़ियाँ होने वाली है। तत्काल डाटा राज्य शिक्षा केंद्र के पास पहुँचा जाता है, ठीक है, और डाउट होने पर मेमोरेंडम पर उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं, शिक्षक भी देख सकते हैं। यदि कोई डाउट हो किसी कॉपी के अंदर मूल्यांकन कार्य होते समय तो ये भी आप दोस्तों देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे दोस्तों 80% से ऊपर मूल्यांकन कार्य कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही आप लोगों के जो रिजल्ट हो जारी किए जाएंगे, यानी कि अगस्त के 1st वीक में रिजल्ट जारी किया जाएगा। रुक जाना योजना और साथ साथ जो आपका पूरक परीक्षा है उनका दोनों का रिजल्ट है अगस्त के 1st वीक में जारी किया जाएगा। लगभग 5 से 6 तारीख के मध्य ये रिजल्ट दोस्तों जारी किया जाएगा, और जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा, और जैसे रिजल्ट जारी होगा तो भी अपडेट मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप अपने मन में जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पहुँच सकते हैं। क्या डिजिटल चेकिंग क्या इस बार सही है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल चेकिंग में बहुत ज़्यादा कॉपियाँ हैं सही तरीके से चेक होने वाली हैं। थैंक यू।